ये 70-75 है, ये 70-50 है, ये 60-61 है। ये सबसे हल्की क्वालिटी का मटेरियल है जो अमूमन इंडस्ट्रियल स्टेट में यूज़ होता है, या ये यूज़ होता है या शिप ब्रेकेज का कह लें कि एलुमिनियम यूज़ होता है, ये कह लें कि दरवाज़ों में अमूमन यही यूज़ किया जाता है, ये बिल्कुल कह लें मुलायम मटेरियल होता है। 70-50 और 70-75 अच्छी क्वालिटी के मटेरियल और बहुत करीब करीब के हैं। इनको जो कह लें कि चेक करने का तरीका कि कौन सा मटेरियल अच्छा है, एक सादा तरीका है कि दोनों मटेरियल्स को अगर टकरा के देखा जाए तो इनके ऊपर पड़ने वाले इम्पैक्ट से अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कौन सा मटेरियल अच्छा है। अब ये देखें, ये हमारे पास 60-61 की प्लेट है, ये इसके कॉर्नर साफ़ है, ये मेरे पास 70-75 की प्लेट है, इसके भी कॉर्नर साफ़ है। अब दोनों को मैं टकराता हूँ और आप डेंट देखिएगा, ये देखें, ये 70-75 देख रहे हैं, इसके ऊपर महसूस भी नहीं हो रहा कि कोई डेंट पड़ा है, ये हल्का सा निशान है, जबकि ये आप देख रहे हैं 60-61 कितना ज़्यादा इसके ऊपर ये डेंट पड़ चुका है। इसी तरह अगर हम देखें, ये 70-50 है हमारे पास, 70-50 का ये कोने, कोई साफ कोना देख लेते हैं हम, ये देखें ये साफ कोन है, इसी तरह ये 70-75 है, ये बिल्कुल करीब करीब के मटेरियल है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। इनको टकरा के देखें, ये देखें, ये 70-50 का डेंट है और ये आपके सामने ये रहा, ये 70-75 का। इन दोनों के डेंट्स को कंपेयर करें, गो के 70-75 पे कम है, लेकिन जिसे कह लें 18-20 का फ़र्क है, ज़्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर इनकी केमिकल कंपोजिशन देखी जाए, 70-50 में 2% मैग्नीशियम कम होता है, 70-75 में 2% ज़्यादा होता है, ठीक है, ये फ़र्क है। बाकी अगर 70-50 को अगर हम कंपेयर करें इसके साथ 60-61, तो ये उसके मुकाबले में बहुत हार्ड मटेरियल है। ये देखें, ये देखें, इसमें भी 70-50 को पता भी नहीं लगा और 70-75, ये 60-61 के ऊपर डेंट देखें किस कदर ज़्यादा है।